एक मंच की गरिमा होती है। चोरे डेंजर क्यों अलग ही चल लो रेंजर। जय सीमा हैदर के जोर पहुंचाओ केस यू करेंगे। 10-20 हजार रुपया खर्च हो जाए गुन्नू करेंगे पर जय पहुंचाओ। और मैं जो कह रहा हूँ काका ती चांद पे एक बार हम छोड़ेंगे सवेरे एक जितनों तू बोल लो है ना। देखिए सामने से अच्छाई की बात हो तो अच्छा लगता है लेकिन जब बुराई की बात हो तो फिर बुरा भी लगता है। क्या मैंने ये कहा था कि विजेंद्र शर्मा गाना बजाना नहीं जानते थे? बताइए आप। बिल्कुल नहीं कही। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि आपने कहा है कि लल्लू बजना सबसे पहले अखाड़ा था। लल्लू बजना से रसियाबाजी शुरू हुई थी लेकिन विजेंद्र शर्मा सीनियर थे और नब्बो प्रधान जूनियर थे। स्वयं तुम्हारे पिताजी जिंदे थे सर्कुलर रोड पर हाथरस पर। उन्होंने कहा था मुझसे कि बेटा ऐसे ही नवाब प्रधान जी की बात चल रही थी तो उन्होंने ये कहा था कि उनका जवानी में गाना मैंने देखा है। मुझसे वो बड़े हैं हमने उनका जवानी में गाना देखा है। एक शेर की तरह गाया करते तो हम त्याई माने कि पापा ही माने। हाँ सही बात है भाई। मैंने गलत क्या कह दिया जिसमें आप ये कहने लगे कि विजेंद्र शर्मा कुछ नहीं थे? अरे हम तो अब भी कह रहे हैं कि हम उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। जितना उन्होंने गाया उतना हम कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन बात रही कि 10 का ले ले 20 का ले ले ये लल्ला ये माला काहे पे भर रही है और जो भी थोड़ा आनंद के लिए इन्होंने शेर सवैया बोले थे वो आपके लिए व्यक्तिगत नहीं थे लेकिन आपने जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर दिया कि इनके उस्ताद। अब आप देखिए कि बी के मधुबा उस्ताद के लिए आप क्या बोल रहे हैं। आप अपनी सभ्यता देखिए कि क्या कह रहे हैं लेकिन जवाब ऐसा होगा कि आप याद रखोगे कि हाँ कोई जवाब हुआ है। उसी बात को तो शर्मा जी गाया करते थे 10 का ले ले 20 का ले ले इनके आंख इनके 11 का रुपए अगर 10 रुपए ज्यादा पहुंच गए तो फिर जिन मोहल्ला याद है तो बस आओ कि ये मोहल्ला तुम्हारा है। लल्लो जब तुमने भी लाला गाना नहीं सीखा था जब हम विजेंद्र शर्मा जी के सामने दंगल हो रहा था मथुरा में तो लल्ला मोहल्ला लाला जब तुम भी नहीं गा रहे थे ललुआ भैया गा रहे थे जनाने बनकर झूठना बोल लो मैं तो ये शर्मा जी भी गाते थे और हमें प्रधान जी क्या सुनाते थे। ओ भाई साहब हमें क्या सुनवाते थे वो के हुस्न था जब तुम पे और मरते थे लाखों। ललुआ भैया अरे हुस्न था जब तुम पे मरते थे लाखों पर तेरा वो नजारा नहीं है। हुस्न था जब तुम पे मरते थे लाखों हुस्न था जब तुम पे हुस्न था तब मरते थे लाखों तेरा अब वो नजारा नहीं है। कौन आएगा फंदे में तेरे दल्लू कौन आएगा फंदे में तेरे। सुनिए कौन आए हो कौन आए का फंदे में तेरे क्योंकि कोई घर से
देखिए ये राधेश्याम चाचा जी ने बताया कि वो गाते थे, लेकिन अब हम क्या गा रहे हैं वो सुने मलाल लगाओ मास्टर। गाया किसी गाने वाले ने और गौर करेंगे। हो चिंता मत करो, आज पूरा ऊंस हो जाए भोजन में। बात देखिए, कुछ समस्या ऐसी आ गई जो हमारे आदरणीय बड़े भाई दलवीर जी ने हमारे अखिलेश भाई पर फोन किया। आप सभी जानते हैं कि हम भी बीके मधुआ राय वालों के साथ। एक मिनट रुक जाओ पंडित जी, शांति से बैठ जाओ, आप मजा लेते हो, आनंद ले लो, तुमने शांति बनाओ, बिल्कुल शांत। चिंता मत, हमारे ऊपर छोड़ जाओ, अगर इतना नहीं पूछ दो इनमें तो हम तो बीके मधुआ ही पट्टा। दूसरे के साथ अपनी लुगाई को भेजना विश्वास का काम होता है। क्या हो खास भैया, क्या संगन भेजो, चुका क्या कर्म ही ऐसे ही। लेकिन उसे यार पर विश्वास है तब भेजिए। मेरे पिया कैसे जाऊंगा तू। हाँ था छोटू भैया आया, अब गौर करेंगे भैया। हम तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर बात अच्छी लगे तो बस आपको सहयोग करना है, जिससे हमें मालूम पड़ जाएगा जो हम कुछ कह रहे हैं वो आपकी समझ में आ रहा है। हाँ सर। मेरी बहना तुम्हें बड़ी सीमा इधर चढ़ रही है, जालन जा और भी जावे तो देख ले। हाँ जी, इधर तो कह रहे सीमा हैदर, लेकिन सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक करके देख लेना चाहिए। सुने, अब ये जनता का आनंद देखना। अरे छोड़ खसम को आई गई, क्या बात है, अरे छोड़ खसम को आई गई, सुन ले जे बेहानारी ये, छोड़ खसम को आई गई, सुन ले ये बेहानारी है, छोड़ खसम को आई गई और जे गुंडी बेहानारी है, और जेऊ बालक बारी है, और बेऊ बालक, जेऊ बालक बारी है, और बेऊ बालक बारी है, अरे द्वे द्वे लोना छोड़ के बानी, अरे द्वे द्वे लोना छोड़ के बानी, और तेरी बात बिगारी बिगड़ गई। अरे पानी तेरी बात बिगारी है, और सीमा के बदले भाग गई वो अंजू बहने तुम्हारी है, अपनी कमी भी देखनी चाहिए। हाँ। सीमा हैदर ये मत देखो, ये तो प्रेम है, ये तो प्रेम है, प्रेम की चर्चा चर्चा के हिसाब से होनी चाहिए, खर्चा के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। ये कह रहे थे कि नवन्ने को पूछेगा, मैं ऐसी हल्की बात करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो जवाब दूं। हाँ या। थाली दे पानी पिब जावे तो इन गड़ुअन्ने को पूछे को,
अरे थाली गई पानी पे बजावे तो फिर कड़ुअन ने को पूछेगो जलेबी दे तीज त्योहार मने जलेबी दे तीज त्योहार मने तो जिल लड़ुअन ने को पूछे पड़ी आई प्याय जामे तो भैसा अड़ुअन ने को अल्लड़ पड़ी आये प्याय जामे भैसा अरे अड़ुअन ने को पूछे गो अच्छी संगत में अच्छी संगत में तुम्हें बता दो इन भड़ुअन ने को पूछे गो अच्छी संगत में तुम्हें बता दो भड़ुअन ने को पूछे गो जिसके पास में कोई मसाला नहीं होता है वो फटकेबाजी गाता है हमारे प्रधान जी कहते थे हमसे हाँ भाई मनोज हाँ भाई मनोज अब तुम चाहिए डोज मैं इन बच्चों की तरफ से नहीं कह रहा हूँ भैया अब हम तो मैं विजेंद्र शर्मा ही मानना है भैया ना भैया नाम तो कर रहे हो डर पोस सदा के तुम सबरे मैं मार्ग की बात बता रहा हूँ गल्लू डर पोस सदा के तुम सबरे ना कर रो करके मस कहेंगे डर पोस सदा के तुम सबरे अरे भैया हमने तुम्हारा अखाड़ा देखा है और तुम्हारे वो कह रहे ना है कि अच्छे अच्छे भाग जामे असरपी जी से अरे रुतबा था गुरु थे वो डर पोस सदा के तुम सबरे ना कर रो करके मस कहेंगे ना कर रो करके मस कहेंगे जो तीर चला दे तबियत से त्यारे दिल में वो कस कहेंगे जो तीर चला दे तबियत से त्यारे दिल में वो कस कहेंगे जो तीर चलाए दे वो छोरा हो जो तीर चलाए दे वो छोरा तो दिल में प्यारे धसकेंगे जो तीर चलाए दे वो छोरा जो तीर चलाए दे वो छोरा तो प्यारे दिल में खसकेंगे धसकेंगे आते में कीड़ा पड़ गए जाए कुत्ता तक ना फंस गए हाँ साहब अब गौर करेंगे जो बात तुम गुरु सही कह रहे हो बेकार है वो ऑटो बनाए कुत्ता ही चल रही है कोई सुमर नहीं हाँ देख हाँ साहब हाँ साहब वहीं पे आ जा मलार पे मेरी बहना हो मेरी बहना है मेरी बहना है मेरी बहन चाचा चश्मा वाले हो हाथ खोल के बैठो मुट्ठी में तुम्हारो ऐसे बैठेगा हाँ हाथ तुमने खोल लो क्या बात है हाँ मेरी बहना अरे अखियां है प्यासी प्यासी है मन भावे पूरण मासी अब तक ना आयो जिबेरी सुनो तेरी बालवा ना आयो मतियान दे मगर भैया नौवा के गए तुमको तो जवाब कह दो जावे के ना है देखो आनंद लेनो तो संग ने सपोर्ट करते रहियो कह दी जावे के ना है देख भैया आप तरस मारे के देखे नौवा नौवा कह रहे हो अरे देखे नौवा नौवा कह रहे हो ना पट्टो नाब में आवेगो और भैया तुमको तो कह दू जा
बहुत बुरी लग रही। अरे देख नौवा नौवा कह रहे हो ना पट्टो नाम में आवे गो, और देख जा नाऊ के सामान घर ले जइयो तेरी अम्मा के काम में। बेटा आज तेरा गलत फॉर्म भर गो है। हाँ भैया तुमको तो चार लाख रुपए लगते हो दे दू के ना। देखो आनंद लेनो है फटकाबाजी इनने चालू करी, अगर मैं कद्दू लेकर तो कोई बुरी तो ना माने हो। हाँ भैया माने हो तो ना कोई ना मानो के सुने ए नेकात जो तेरी बच रही है। अरे नेकात जो तेरी बच रही है लुटियाए डुबाए के मानेगो। बता दू भैया कैसे मानोगी। अरे नेकात जो तेरी बच रही है लुटियाए डुबाए के मानेगो। और देख गाना बजाना उसे कहते हैं, हम बोलेंगे बाद में जी पब्लिक बोले पहले। और तेरे कानन तक आवाज आ गई मेरी जान, लुटियाए डुबाए के मानेगो। अपनी जी जी के संग जी तो जजी जाए सुपाए के। अपनी जी जी के संग में जा जी जाए सुपाए के माने को। भूल लो मेरी जान ऐसी फटकेबाजी सुनीता शर्मा करती। हाँ बाऊ को मजा कर करो करो। ये 51 रुपए का आशीर्वाद कृष्ण मुरारी शर्मा उनकी तरफ से आए हैं, बार बार आशीर्वाद की कामना करते हैं। हाँ भैया अब आनंद आ रहा है ना। अरे नेकात जो तेरी बच रही है लुटिया डुबाए के माने वो। अपनी जी जी के संग जी तो जा जी जाए सुपाए। आज के रसिए मैं जी तो देखे आज के रसिए मैं जी तो जकुनवा रुपाए के। और मेरी जान एक लाइन की ताली देखो, अगर हाथ रस्त का आवाज ना जावे तो मेरी जान गाना बजाना बेकार है। अरे कुल पाए रुपाए के माने को जी जाए सुपाए के माने को। चाकी छाती ठंडी जब होगी जी इतनों को पाए। चोईसा बैठ जाओ तुम वहीं पे। अब आनंद आरो के ना आरो आरो छोटू भैया जेव गलत बात ना इलम पप्पा के माने हो। भैया गलत बात ना है। हाँ इलम की बात है रही है। हाँ जी दो लाइन देख बहू याद आ रही है। देख धर्म के वो पाए बंद देखो राजा हरिचंद विश्वामित्र लोड़ा और लुगाई बेच रहे। विश्वामित्र लोड़ा और लुगाई बेच रहे हैं। विश्वामित्र लोड़ा और लुगाई बेच रहे हैं। भाई पूरी पब्लिक में ताली सुनना। धर्म के वो पाए बंद देखो राजा हरिचंद विश्वामित्र लोड़ा और लुगाई बेच रहे हैं। और हाल भयो बेहाल आसाराम रामपाल बैठे बैठे जेल में दोहाई बेच रहे हैं। अरे हाल भयो बेहाल आसाराम रामपाल बैठे बैठे जेल में दोहाई बेच रहे। सेठी सरे बाजार शैंपू ले जाओ झागदार। अले झागदार ले जा। सेठी सरे बाजार शैंपू ले जाओ झागदार ले जा। सरे आम तेल और चटाई बेच रहे हैं। सरे आम तेल और चटाई बेच रहे हैं। सरे आम तेल और चटाई बेच रहे हैं। अगर क्या बेच रहे हकीकत बेचना आपकी समझ में आ जाए तो एक भी आदमी पीछे तक न बचे जो ताली नहीं बजाए। सरे हम तेल और चट्टाई बेच रहे हैं। और लेते नहीं नाम देव देखो बाबा रामदेव बालक बनाए बेकी दवाई बेच रहे। बालक बनाए बेकी दवाई बेच रहे। अच्छा बेटा मनोज। हाँ मैं छाती पे चढ़केगा छाती पे चढ़के छाती पे गाऊंगी। हाँ और भैया हम तो जेऊ कह रहे खिच्चो आटे वारे हैं तेरी नाक काट के ले जाऊंगे। अब भैया हम कछु कह रहे थे
अरे तुम कितने खेल खिलाड़ी हो, मेरी सार काटना पाओगे। अरे मेरी सार डांटना पाओगे, मेरी सार डांटना पाओगे। आदा ज्यादा बुरी नहीं कहूंगी, चिंता मत करो। मेरी सार काटना पाओगे और मेरे गाने बजाने को जो तार लगो, क्योंकि जो हम तुम गाना बोलते हैं या गाना गाते हैं तो माँ सरस्वती से कनेक्शन हो जाता है, तार लग जाता है। अरे मेरे गाने बजाने को तार लगो, तुम तार काटना है, तुम तार काटना है पाओगे। और अरे यार ना काटने की बात कर रहे हो, तुम हल्के में ले रहे हो हमें। तुम तार काटना है पाओगे और अरे तुम तार काटना है पाओगे। और हम बीके मधुबा के पठन को एक बार काटना है पाओगे। गुरु अंत मत ले जाइयो, बार की बात चल रही है, बार अंत ले जाओ। हाँ हाँ भैया, अब तो बात और कर लू इनसे। बेटा बलार पे आ, एक छोरा मिलो हाथ रस को। रुक जा, इतनी बड़ी मत कह, जा छोड़, जा मत कह समय, जा छोड़। जी तो नेक बउए कह लेंगे भाई, मेरे समय तो आ गए। हाँ भैया हाथ उठाए के बताओ, कह लू नहीं कहूँ। अगर कृपा रहे तो पूरी पूरी सपोर्ट करियो और इनके हाथ रस तक बात जानी चाहिए। हाँ दे बेटा, जनता जनार्दन भगवान का रूप होती है, जब जयी कह रहे कह दे तो दे ढील। हाँ पारा सर जी, अरे एक छोरा मिलो हाथ रस को, अरे चुपचाप कान में कह आयो। अरे कहबे में अपना चूपूंगी, अरे कहबे में अपना चूपूंगी, अरे भैया धो तारो। ऐसे बात ना होगी, जगह जोड़ते बोलो भैया। आकाश जी ने कहा आराम से बजाओगे, चलते रहोगे, तुम्हें इतनी जोर से बोलनी है, ज्यादा ना है तो इनके कानन तक बात तो पहुंचनी चाहिए। आता एक छोरा मिलो हाथ रस को, चुपचाप कान में कह आयो। कहते मैं अपना ही चूकूंगी, भैया ध्यान तारो। चको बाप गयो भाजो भाजो, चको बाप गयो भाजो भाजो, वो नगद रुपया। मनोज भैया मैं बच्चा हूँ आपका, आपके आशीर्वाद से देखना कितनी ताली आएंगी। कोई अच्छा ना बेटा, आज की रात ढील मत दो बिल्कुल ना, आगे तो फालतू ना बोलेंगे, आज ही व्यवस्था करते हो जितनी कर पाओ। जाको बाप गयो भाजो भाजो, वो नगद रुपया। और अरे गए भाग्य फूट जा, छोरा के जितो ठल्ल भैंसिया। भाग्य फूट जा, एक बार हाथ उठाएगा बताओ, मजा आ रहा है ना? देख लो नजर करके, अब ना नो करे कोतारी बजा रहा, अब ऐसी मजा आ रहा है। देख मेरी बहना, हाय मेरी बहना, हाय मेरी बहना, हाय मेरी मेरी बहना, अखियां हैं प्यासी प्यासी, लेकिन बात उस समय की है जिस समय रावण महाराज सीता जी का हरण कर ले आते हैं, तो मंदोदरी महाराज को रावण महाराज रावण को समझाती है और क्या कहती है। अच्छा पाराशर जी सुनो, नाथ सीता बिन दीने शंभु न होए हेते अज कीने। हे नाथ तुमने जो सुना करो, जो सीता जी को हरण कर लाए, पर मेरी तो यही समझ में ना रही है, धनाने कहां से लाए हो तुम। भैया दो बात जो कह दूं, बेटा मलार मलार सीधे मलार, चिंता मत कर, मलार ही गाऊंगी। हाँ भैया कह दूं ना दनानी के बारे में, के मनोज भैया नसीबों में और तुम
अपनी जान बचाने आए हो। और यार रंगशाला की नचनिया को रसियों में नचाने। हाँ सही कह रही है बेटा, ऐसी चुप सी ढाड़ी है कि बाकी मुँह में जवान ही ना है। गूंगे देव हाँ भैया, अब मंदोदरी महाराज रावण से कह रही है, उधर से रावण का जवाब आएगा, गौर करेंगे। देव गर उल्टे कर्म न त्यारे होते, समझ आ रही है मंदोदरी? गर उल्टे कर्म न त्यारे होते तो उल्टी खटिया ना होती। और महाराज रावण बच जाती त्यारी जे सब सेना, अरे बच जाती जे त्यारी सब सेना, त्यारी मरी मुसटिया बच जाती। अगर गलत काम नहीं होते तो एक व्यक्ति नहीं मरता तो महाराज के। हाँ काम ही मरवे जैसे कर रहे हैं तुमने। बच जाती त्यारी सब सेना, मरी मुसटिया ना होती। और भैया ना कितने बुरी लग जाएगी, कह दू तुम्हारी आ जाए तो हाथ उठा के बताओ। हाँ तब कह दू बच जाती त्यारी सब सेना, तेरी मरी मुसटिया ना होती। अरे तेरी मरी मुसटिया ना होती। और अरे श्री राम से नैन मिलाती ना, प्यारी बहन न कटिया होती। श्री राम से नैन मिलाती ना, प्यारी बहन न कटिया ना होती। मेरे पिया देखो मैंने रात को सपनों, मेरे रात में सपनों देखो हाय मेरे पिया, ओ मेरे पियो, हाय मेरे पियो, ओ मेरे आजा माने गए ना माने, चलो तुम तो माने, कोई माने चाहे नहीं माने। देख मेरे पिया देखो मैंने रात को सपनों, जब ते दिल कांपे जी आया नेक बुलवा दियो मेरे संग, वो जब ही मालूम पड़ेगी। मेरे पिया देखो मैंने रात को सपनों, जब ते दिल कांपे जी, जब ते दिल कांपे जी अपनों, और सपने में असगुन भारी है। मेरे पिया देखो मेरे रात को सपनों, जब ते दिल कांपे अपनों। देखिए 10 रुपए का पुरस्कार नहीं आशीर्वाद हमारे मुश्ताक कुरैशी एंड मुन्नी बेगम की तरफ से आया है। जय हो, तो बड़ा जानकारी है लाला जी की, गुरु हैं यहाँ पे तो। हाँ साहब, अब भैया आगे की लाइन क्या करिए गौर करेंगे, पीछे बारे सुस्ताई छोड़ दो। अरे छीकत जी छीकत राड़ी हमारी पर के, बिल्कुल गलत बात नहीं होगी, नहा के बैठ जाओ। हाँ बिल्कुल गलत बात है, जाए तो बता दी। कैसे कुत्ता फुत्ता कह रही है? अरे भैया सपने की बात है, इनते थोड़ी कह रही हूँ। अच्छा सपने की बात है जे, हाय हाय फिर से आ गए हमारे मुश्ताक कुरैशी और मुन्नी बेगम, 10-10 रुपए लेके आए। देख सुनो चिंतन है, कह रही तो सपने की बात बता रही। अच्छा सपने की बात है तो आंदा दे ढील बता दो भैया, सपने की बात है ना। देख अरे झीकत राड़िया गारी पर के जे कुत्ता, जे कुत्ता रोवे
अब ये लाइन तो ऐसी आ रही है मेरी जान, लाइन को सुनते ही अगर जनता आधर होके ताली ना बजाए तो गाना बजाना बेकार है मेरी जान। हाँ जी ध्यान से सुनिएगा जितने भी मेरे बुजुर्ग बैठे हैं। देखिए यहाँ पे मंदिर तो बहुत हैं, लेकिन हमारे कोठी वाले महादेव का मंदिर है, बनखंडी का मंदिर है, पीली कोठी वाला मंदिर है, लेकिन एक मंदिर और है हमारी औरनी गांव में, वो कौन सा है? बालाजी का मंदिर। हतवे नहीं आती भैया, कौन कौन मानते हैं बालाजी? हनुमान जी है, सब मानने भगवान है। तो अब देखो दे? अरे सपनों देखो रोत पियो, अरे छोरी तू तो घड़ी मलूक लगे कति पुल मुल के सो दे, अरे सपनों देखो रात पिया, अरे सपनों देखो रात पिया, कोई पड़ गई मैं संका में, काय में पड़ गई जोर से बताओ, संका में। सपनों देखो रात पिया, कोई पड़ गई मैं संका में, और महाराज रावण इकलौई बंदर आग लगाएगा यो पिया तेरी लंग, इकलौई बंदर आग लगाएगा पिया तेरी लंग। अभी तो सीता और हनुमान है, राम और लक्ष्मण नाम ही समझो का हो तो आज पर गई मैं तो संतों में, अरे थी गंदे लाड़ी अगारी पर के जे कुत्ता रोमे मुंह ऊपर करके, मर गई मैं तो शर्मते, आए मरी कहीं में तो शरमते मर के, और सपने में असगुण भारी मेरे पिया। अब तो